चीन दशकों से अपने पड़ोसी देशों के साथ घिनौनी हरकतें करता आ रहा है, जिस वजह से आज स्थिति ऐसी है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क उसके साथ नहीं है और अब सबके सब उसके दुश्मन बनकर बैठे हैं। वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, जापान और भारत सभी उसके खिलाफ खार खाए बैठे हुए हैं। भारत ने तो चीन से सटी सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइलें, टैंक तथा सुखोई जैसे विमान तैनात कर चीन को कड़ा संदेश दिया है। भारत के साथ साथ जापान, जो अब एक आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, आज जापान भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आता दिख रहा है। जापान हमेशा से चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाता आ रहा है और विश्व युद्ध के दौरान भी जापान ने चीन को अच्छा सबक सिखाया था। अगर हम 1962 की तुलना में आज बेहद मजबूत हुए हैं, पर चीन की रफ्तार हमसे कहीं ज्यादा है। आज का चीन 1962 वाला चीन नहीं है, बल्कि तब की तुलना में अब काफी आगे निकल चुका है। यह सर्वाधित है कि 1962 की लड़ाई में भारत को चीन के हाथों करारी हार मिली थी। उस जंग में भारत के करीब 1300 सैनिक मारे गए थे और 1000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। 1500 सैनिक लापता हो गए थे और करीब 4000 से ज्यादा सैनिक चीन ने बंदी बना लिए थे। वहीं चीन के करीब 700 सैनिक मारे गए थे और 1500 से ज्यादा घायल हुए थे। इसी को ध्यान में रखकर चीन ने इतिहास से सबक लेने की चेतावनी भारत को दे डाली। अगर जापान और चीन की बात करें तो जापान दक्षिण सागर में चीन के अधिकार को लेकर कड़ा विरोध जताता आ रहा है। आपको बता दें कि चीन दक्षिणी सागर में अपना अधिकार जमाना चाहता है, जिससे दक्षिण एशिया के सभी देश खफा हैं। जापानी मीडिया का कहना है कि दक्षिण सागर पर सबका अधिकार समान है, लेकिन चीन अपनी हेकड़ी दिखा रहा है। जापानी मीडिया ने यह भी कहा, चीन अब बातों से नहीं मानने वाला, अब सभी देशों को मिलकर उसी की भाषा में उसको जवाब देना होगा। एक ओर जहां भारत और जापान विरोध जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वियतनाम और ताइवान भी चीन के साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं। इसके अलावा जापान के मीडिया में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच युद्ध की संभावनाएं हैं और अगर ऐसा होता है तो जापान भारत का खुलकर साथ देगा। हम आपको यह भी बता दें कि चीन के हर एक पड़ोसी देश से संबंध बेहद खराब हैं। चीन ने हर एक देश में अतिक्रमण करने की कोशिशें की, जिसके परिणाम में अब सारे पड़ोसी देश भारत के साथ मिलकर चीन को जवाब देना चाहते हैं। चीन आए रोज अपने नए नए हथियार दिखाकर दुनिया के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत के पास ऐसे रक्षा कवच और ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिन्हें चीन का कोई भी हथियार भेद नहीं सकता। अब दोस्तों, आप यह अनुमान लगा सकते हैं, भारत और चीन के पड़ोसी देश मिलकर चीन का क्या हाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।